तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गेमिंग रिव्यू करने जा रहे हैं रियलमी के C3 फ़ोन का, जो कि मतलब ब्रांड न्यू रखा हुआ है इसके। मैंने पीछे से अभी तक ये नहीं निकाला है, क्योंकि अगर ये निकाल दूंगा तो नई वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसका आज हम रिव्यू करेंगे। और दोस्तों, हमारे पास जो वेरियंट है वो है 3 GB RAM और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से अपनी पहली सेल में लिया था। हो सकता है आपने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी हो, तो देख लेना, चैनल पे ही आपने मिल जाएगी आपको अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो हमारे पास 3 GB वाला वेरिएंट है, जो कि मतलब काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेगा, देखते हैं। और दोस्तों, देखेंगे कि 3 GB वाले वेरिएंट में हमको पबजी की कैसी मतलब देखने को मिलती है परफॉर्मेंस। और दोस्तों, पबजी के साथ साथ हम इसमें एसफॉल्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी लाइट भी खेल कर देखेंगे। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है गेम खेलने में। और दोस्तों, इसकी मैं आपको सारी सेटिंग बताऊंगा, सारे गेम FPS भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको, तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो के गेमिंग के रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसका गेमिंग रिव्यू देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने गेम स्टार्ट कर लिया है, ऊपर FPS भी दिखने लगे हैं, ताकि आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार सेटिंग दिखा देता हूँ अभी, कौन से सेटिंग पे खेल रहा हूँ ग्राफिक्स की, उसके बाद में अपन बाकी के देखेंगे। अरे कंट्रोल नहीं देखना यार, मैं आपको ग्राफिक्स की सेटिंग और दिखा देता हूँ। दोस्तों, अभी हम खेलना है इस पर स्मूथ अल्ट्रा पे, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा HD। इसमें हमको एक HD हाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके आगे हमको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें स्मूथ अल्ट्रा का ऑप्शन है, तो आपको एक बार उसका गेम प्ले दिखा दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बाकी का दिखाऊंगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्मूथ अल्ट्रा पे तो हमको ठीक ठाक फ्रेम रेट देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। तो 40 के आसपास हमको FPS देखने को मिल जाएगा, और मतलब ठीक है, ग्राफिक्स भी इसमें कुछ मैं खास तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा लैग हो रहा है इस पर भी। ग्राफिक्स ठीक ठाक देखने को मिल रहा है इसमें हमको इसका। एक बार आप गेम प्ले देख लो, बाकी कुछ अटकता है तो मैं आपको बीच में बता भी दिया करूँगा कि अटक रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अभी तो मुझे कुछ मेजर लैग देखने को नहीं मिल रहा है, पर कुछ लोग गालियां दे रहे हैं। कुछ लूट कर लूँ पहले थोड़ा। तो दोस्तों, हम इसकी सेटिंग्स को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ग्राफिक्स की। अब इसको हम डालते हैं HDI पे, ठीक है? ओके, और अब हम इसको प्ले करके देखते हैं इसमें हमें को कितना FPS देखने को मिल रहा है ना। बाकी की और गेम प्ले मैं आपको इसी में डाल दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं, मतलब काफ़ी सही रहेगा अगर देखेंगे तो आप। तो ये दोस्तों, पता नहीं इसने हमें कहाँ बर्फ़ में उतार दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम खेल रहे हैं HD हाई पे, तो उस पर भी हमको लगभग 30 FPS देखने को मिल रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब 7,000 के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, 7,000 वाले में आप पहले पबजी लाइट भी नहीं खेल पाते थे, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी ठीक लगा ये। 31 FPS भी आ रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ये वाला मैप मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है यार, देखते हैं फिर भी। 9 सेकेंड ही तो बचे हुए हैं।
इसके ग्राफिक्स भी देख लेते हैं, तो मतलब ठीक ठाक ग्राफिक्स देखने को मिलना है। ओ भाई आरपी देख रहे हो, 100 100 100 100, ये लोग नहीं छोड़ना आज। तू यहाँ लूट कर, मैं ऊपर लूटूंगा। नहीं 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 साले ने लूट में भी नहीं दिया। अब ऊपर मत आइयो, चलो वो निकालो, कम से कम ये तो मिल गई। सामने बंदा है वो, मेरे पीछे बंदा है वो, छोड़ो। याद आई बहन का लंड भाई, ये छोड़ 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 के भागोगे गए। अब स्पीकर खोल के गाली दे रहे हैं। हाँ मांगोगे गांड, लंड के पहले भागोगे अलग से अलग। हाँ मांगो गांड, खाली वही या मैं कहा था कर दो सो ऐड शॉट, यही मां चोद दे जाएगी एक गोली में। जो तो कुल्हाड़ा कुल्हाड़ी उठा रहा हूँ बहन कुल्हाड़ी, पीछे दो दा अपन कौन मैं, ये चोद जाएगी बहन की चूर। ये तो कहीं तो जाके तो मां मैं तो दे वो मर को, बहन कुल्हाड़ी नहीं मरो तो तार के मार दो ना गोली, बहन की चूर बहन कुल्हाड़ी। और कोई भी मार रहा हो मैं चूस, मतलब मुंह दे नहीं भाई, वो भाई साहब कन कते ऐसा आके कार, मैंने कार लूटी वो आके धो लाओ। नहीं जब ये कार तो देख सेंटर ऑफ लूट में चला माचो रान दो कर। दोस्तों अभी हम खेलने वाले हैं COD यानी कॉल ऑफ ड्यूटी, तो उसकी सेटिंग भी आपको एक बार दिखा देता हूँ जैसे कहीं ग्राफिक्स में जाके, क्योंकि ये नॉर्मल रहती है ग्राफिक लो मीडियम, इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो हम इसी पे खेलेंगे। PDM में मैच खेलेंगे, कुछ खास तो हम खेलेंगे वैसे, मतलब अभी तुम देखना आग ही लगाएंगे।
काफी लगातार मार रहा हूँ। हम फिर से पहुंच जाएंगे वहीं पर। काफी दोस्तों का मतलब FPS तो हमको कम देखने को मिल रहा है, लेकिन मजा आ रहा है इसमें। 13 FPS और 15 FPS देखने को मिल रहा है इसमें। तो पीछे से हम लगे हाला पीछे से हमला कर पाए हमको। फिर से पीछे से किसी ने हमला किया, फिर से जाएंगे। दोस्तों अब हम इस पे स्पॉइल लाइन और खेल कर देख लेते हैं, जो कि मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। विकन सेटिंग ऊपर खेल रहा हूँ मैं। गेम सेटिंग, साउंड एंड डिस्प्ले, इसको मैं हाइपर कर लेता हूँ यहाँ से। और ये यस, प्ले करते हैं अब। मुझे लग रहा है दोस्तों 30 के आसपास तो रहना चाहिए। मैंने स्पीड ब्रेकर के ऊपर भी चला दिया। थोड़ा अभी खेलना नहीं आता दोस्तों मुझे। FPS भी हमको 13 देखने को ही मिल रहे हैं। ये हमने ख़त्म कर ली रेस टाइम के पहले। पता नहीं इसमें रिकॉर्ड हुआ होगा नहीं। FPS तो इसमें हमको काफ़ी ठीक देखने को मिल रहा है, 30 FPS हाई सेटिंग पे। दोस्तों मैं एक बार आपको पबजी लाइक के वो दिखा देता हूँ, ग्राफिक्स कर दिखा देता हूँ। अभी हम खेल रहे हैं HD हाई और यहाँ पर इनेबल लिखा हुआ है, तो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें भी हमको 30 FPS देखने को मिल रहा है, मतलब सेम ही FPS देखने को मिल रहा है इसमें भी हमको। तो दोस्तों इसमें भी हमको सेम ही FPS देखने को मिल रहा है HD हाई पे, लगभग 30 FPS इसमें हमको देखने को मिल रहा है पबजी लाइट में भी। मगर इसके ग्राफिक्स थोड़े अजीब दिख रहे हैं, मतलब कि इतना नेचुरल नहीं लग रहा है जितना पबजी में ज़्यादा ही नेचुरल लगता है। वापस ग्राफिक्स दिख रहे हैं, मतलब ठीक ठाक ग्राफिक आ रहा है इसमें भी, कुछ खास नहीं कह सकता इसमें। बिल्कुल किट पे जाके उतरा हूँ, देख रहे आप। पगलो वहां पे बंदा है वा, मतलब पीछे तो नहीं आ रहा। हाँ
भाग भाग मिल्का भाग। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी सुझाव हो मेरी वीडियो क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियो चैनल पर आती रहती हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों इसका फुल रिव्यू भी आने वाला है, तो उसके लिए भी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तो जल्दी से करो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।